हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे कंप्रेशन रेशियो के ऊपर। आपने बहुत जगह सुना होगा इंजन्स के टर्म्स में कि कंप्रेशन रेशियो 10:1 और 14:1 इस टाइप की होती है। तो आज हम देखेंगे कि कंप्रेशन रेशियो होती क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक सिलेंडर है। अब मान लीजिए इंजन के अंदर एक सिलेंडर है और एक पिस्टन है। हमने एक सिलेंडर और एक पिस्टन को सिलेक्ट किया है। तो स्टार्टिंग में जब पिस्टन जो है हमारा बॉटम पोजीशन पे है, जब पिस्टन बॉटम पोजीशन पे होता है तब हम उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। जब वो बॉटम डेड सेंटर पे है मतलब इससे नीचे पिस्टन नहीं जा सकता इंजन में, ये इसकी बॉटम लिमिट है। और उसके ऊपर जितना भी वॉल्यूम होता है सिलेंडर में वो जो है हमारा वो टोटल वॉल्यूम है। अब हमारा पिस्टन जो है वो ट्रेवल करता है बॉटम डेड से टॉप डेड सेंटर। तो टॉप डेड सेंटर होता है जो मैक्सिमम टॉप पोजीशन है पिस्टन की, जहां तक पिस्टन जो है वो ट्रेवल कर सकता है। तो जितना वॉल्यूम कंप्रेस होके बचा वो हमारा हो गया क्लियरेंस वॉल्यूम, हम उसको बोल सकते हैं। तो ये कंप्रेशन रेशियो, ये हमारा कंप्रेस होके जो वॉल्यूम बचा, तो हमारा टोटल कंप्रेशन रेशियो या कंप्रेशन रेशियो हम बोलें CR इज इक्वल्स टू, ये हमारा वॉल्यूम वन हो गया, इसको हम वॉल्यूम वन अज्यूम कर लेते हैं, और ये हमारा वॉल्यूम टू हो गया। तो ये हो गया वॉल्यूम वन बाय वॉल्यूम टू। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम वन जो है वो 1000 cc है, और कंप्रेस होने के बाद जो वॉल्यूम बच गया वो हमारे पास 100 cc बच गया। तो इनिशियल हमारा 1000 cc था, बाद में 100 cc बच गया। तो ये हमारा 1000/100, तो हमारे पास कंप्रेशन रेशियो जो होगी इस केस में वो होगी 10:1। तो हमारी जो इनिशियल एयर थी या चार्ज था उसको हमने 10 times या 10 ratio में हमने उसको कम कर दिया। वैसे ही अब ये जो हमारा वॉल्यूम है इसको एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम प्लस टोटल वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। ये जो हमारा वॉल्यूम बाद में बचा कंप्रेस होने के बाद इसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम आ गया। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस से पहले हम देखते हैं कि किस रेशियो में होता है। जो तो हमारे पेट्रोल और गैसोलीन इंजन होते उनमें हमारी रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट 8:1 से 14:1 जाती है, लेकिन जो नॉर्मली हमारे कमर्शियल इंजन होते हैं उसमें 8:1 से 8:12 की रेंज में रहती है। तो जो हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर होता है जो भी सिलेंडर में आता है वो 8:12 रेशियो में कंप्रेस होता है, और डीजल इंजन में ये हायर होती है। तो डीजल इंजन में ये जो है स्टार्ट होती है आपकी 14:1 से और ये 23:1 तक चली जाती है, लेकिन मोस्टली ये 14:1 to 18 और 20:1 तक जाती है। तो ये इसकी रेशियो होती है डीजल इंजन में। डीजल इंजन में इसलिए हाई रेशियो होती है क्योंकि नॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, नॉकिंग हम किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन बेसिकली इसीलिए हमारी हाई रेशियो होती है। और जितनी ज्यादा हाई कंप्रेशन रेशियो होती है उतना ही ज्यादा हाई हमारा फ्यूल एफिशिएंसी होती है किसी भी इंजन की। तो ये इसके लिए कंप्रेशन रेशियो है, और इंपॉर्टेंस में यही आ गया कि इसकी हाई फ्यूल एफिशिएंसी होती है। हायर द कंप्रेशन रेशियो हायर द फ्यूल एफिशिएंसी। और जो हमारे गैस इंजन आते हैं जैसे एलपीजी इंजन हो गए या फिर सीएनजी इंजन हो गए उसमें ये कम होती है, ये ऑलमोस्ट 6:8 की रेशियो में होती है या 6 से भी कम होती है, 4:6 मैक्सिमम 6:6 की रेंज में होती है। तो ये कंप्रेशन रेशियो है। होप करता हूँ आपको समझ आया होगा कि कंप्रेशन रेशियो जो हमने स्टार्टिंग से देखा कि जो टोटल वॉल्यूम था हमारा एक इंजन के अंदर वो कितने रेशियो से कंप्रेस हुआ, ये जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया, तो यही कंप्रेशन रेशियो है हमारा। थैंक यू।